नमस्कार, NIOS के आज इस D.El.Ed के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, प्रिंसिपल फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अभिनंदन है आपका, स्वागत है। आज हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत कोर्स कोड 503, जो D.El.Ed का आपका एक कोर्स है, उसमें भाषा शिक्षण क्या है और श्रवण वाचन में आपसी संबंध क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण और श्रवण वाचन में संबंध, भाषा क्या है और इनका संबंध क्या है। भाषा विचार विनिमय और अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है। भाषा के द्वारा व्यक्ति परस्पर भावों एवं विचारों का प्रदर्शन करता है। भाषा का शिक्षण करते समय कुछ आधारभूत सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज हम इस चर्चा में भाषा शिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को समझने से पहले आप लोगों के साथ में मैं चर्चा करना चाहूँगी कि भाषा है कितने प्रकार की, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। भाषा में सबसे पहले हमारी भाषा का उद्गम हुआ मौखिक भाषा, उसके बाद में लिखित भाषा। आप सभी भी निश्चित रूप से यही जानते हैं कि भाषा के दो ही प्रकार हैं, प्रथम मौखिक भाषा और द्वितीय लिखित भाषा। नहीं, यहीं पे भाषा के प्रकार को का अंत नहीं होता। भाषा का जो सबसे पहले उद्गम था और जो सबसे पहला प्रकार है, उसे अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, और वो है हमारे भाषा का संकेतक प्रकार, सांकेतिक भाषा जिसे हम कहते हैं। तो हमारी भाषा के मुख्य रूप से तीन प्रकार हुए, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा जब हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। उसके बाद में आता है मौखिक प्रकार, हम अपने मुख से वाचन करके, बोल करके हम अपनी बात को कहते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, किसी भी विचार और भाव को जब हम लिख देते हैं, उसे लिखित रूप में उसे प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। इस प्रकार से जब भाषा के प्रकारों की आप आगे से चर्चा करें तो इस बात का ख्याल रखें कि निश्चित रूप से भाषा के तीन प्रकार हैं, प्रथम सांकेतिक, द्वितीय मौखिक और तृतीय लिखित भाषा। क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है या जो कर्ण जिनके काम नहीं करते, कान जिनके काम नहीं करते, वधीर हैं, या फिर जिनकी जो बोल नहीं सकते हैं, मूक हैं, वो उनके लिए सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग होता है। और इसी में एक चीज़ और आज आप लोगों के साथ में मैं बांटना चाहूँगी, जो देख नहीं सकते हैं, नेत्रहीन हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मुख्य विषय है और जिस पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, वो है भाषा शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। पहला हमारा सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा का जब शिक्षण करवाते हैं तो स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है, पढ़ना और सुनना। भाषा शिक्षण में पहले वाचन होता है, पहले अध्यापक बोलता है, विद्यार्थी श्रवण करते हैं, फिर विद्यार्थी बोलता है, अध्यापक सुनता है, तत्पश्चात फिर लेखन होता है और लेखन के बाद में उसको उच्चारित किया जाता है, पढ़ा जाता है। स्वाभाविकता का सिद्धांत है, भाषा में स्वाभाविक चीज़ें हैं। कक्षा कक्ष में जब अध्यापक प्रवेश करता है तो जो दैनिक या जिसे हम कहेंगे कि अनिवार्य जो हमारे शिष्टाचार है उनको है, नमस्कार है, प्रणाम है, अभिवादन है, गुड मॉर्निंग है, ये सारी चीज़ें होती है, स्वाभाविकता का सिद्धांत है इसमें। और इसी के साथ प्रतिउत्तर में हमें अभिवादन मिलता है, हम निर्देशित करते हैं, जो श्याम पट और श्वेत पट के जो हमारे निर्देश होते हैं, अनिवार्य निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को हम अंकित करते हैं, और उसके बाद में हम आज किस विषय पर चर्चा करेंगे ये सब उच्चारण करते हैं, या फिर हम बाकी जो भी हमारी स्वाभाविक चीज़ें हैं
वो हम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो भाषा शिक्षण में मूलभूत सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा की अभिव्यक्ति स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता होती है। मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ में बात करी, आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक सर्वप्रथम सुनता है, सुनने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप वाचन करता है, बोलता है, बोलने के उपरांत वो किसी चीज को लिखता है। लिखने से यहाँ अभिप्राय केवल मेरा अक्षर ज्ञान से नहीं है, लेखन में हमारी आकृतियाँ, हमारे चिन्ह, हमारे प्रतीक, वो सब सम्मिलित हो जाते हैं, फिर लिखा जाता है और लेखन के उपरांत पढ़ा जाता है। तो ये हमारा हुआ क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के बाद में हम बात करेंगे अभ्यास का सिद्धांत। प्रारंभ में, प्राथमिक कक्षाओं में, या मैं कहूँगी कि बिल्कुल प्रथम स्तर पर जब भाषा को पढ़ाया जाता है, भाषा का शिक्षण करवाया जाता है, तो भाषा शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है कि वहाँ अभ्यास होता है। सबसे पहले बालक को, बालक बालिका और विद्यार्थी, उसको सबसे पहले स्वर और व्यंजन, कहने का तात्पर्य है कि वर्णमाला से परिचित करवाया जाता है, उसे स्वर समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में उसे व्यंजन बताए जाते हैं, फिर स्वर और व्यंजनों का जो आपसी मेल है उस मेल के बारे में उनको बताया जाता है और अभ्यास करवाया जाता है। अभ्यास पहले अक्षर ज्ञान का अभ्यास कि अक्षर किस प्रकार से लिखे जाएंगे, उसके बाद में उनके पठन, उनको कैसे पढ़ा जाएगा, लिखा कैसे जाएगा और पढ़ा कैसे जाएगा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभ्यास से आती है। तीसरा हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल के माध्यम से हम भाषा का शिक्षण करवाते हैं, निर्देशित करना और निर्देशों का अनुपालन करना, ये हमारा बोलचाल का सिद्धांत हुआ। बोलचाल के बाद में है हमारा क्रम का सिद्धांत, क्रम के साथ। अभी अभी हमने बात करी कि जब भाषा का अधिगम किया जाता है तो सर्वप्रथम स्वर और व्यंजन, वर्णमाला, उसके बाद में हमारी व्याकरण। अब शब्द वर्ण जो है और स्वर है उससे मिलकर के हमारा शब्द बना। पहले वर्ण, स्वर, व्यंजन, फिर हमारा शब्द, फिर हमारा वाक्य, फिर हमारा वाक्यांश और गद्यांश और पद्यांश, और फिर हमारा पाठ और हमारी कविता और कहानी, उपन्यास, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर क्रम का सिद्धांत है कि क्रम से हम भाषा के अधिगम को करवाते हैं, क्रम से भाषा सीखते हैं। चयन का सिद्धांत, चयन के सिद्धांत में भाषा में अभी एक सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा करी, बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल में हम कभी कभी अनौपचारिक रूप से ऐसे शब्दों को भी प्रयोग में ले आते हैं जो साहित्यिक दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में, वार्ता में वो चल जाते हैं। लेकिन जब हम भाषा के शिक्षण की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पर भाषा का चयन करा जाता है कि किस समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा, यानी भाषा का प्रयोग करने के लिए समय, स्थान दोनों को देखा जाएगा। और इस प्रकार से चयन का सिद्धांत हमारा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण किया जाता है जब शिक्षक के द्वारा शब्द, वाक्य, वाक्यांश, गद्यांश, पद्यांश, श्रुतलेख, ये सारे जब करवाए जाते हैं तो उसके बाद में विद्यार्थी अनुकरण के सिद्धांत पर चलते हैं। बाहर बारिश हो रही है और बारिश को देख करके अध्यापक ने दो पंक्तियां उच्चारित करी और अध्यापक ने कहा कि झमाझम झम झमाझम झम मेघा बरसेरे। अब ये झमाझम झम झमाझम झम मेघा बरसेरे, ये जो दो पंक्तियां या दो लाइनें जो शिक्षक ने कहा, उसके बाद में विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं, या तो वाचन करके करते हैं या विद्यार्थियों को ये निर्देशित किया जाता है कि आप भी बरसात को देख करके आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आप भाव व्यक्त करिए, वो आप भाव बोलिए, उनको आप
लिखिए, आप कुछ करिए। किसी का स्वागत करना है, अनुकरण का है, स्वागत में आप अनुकरण कर रहे हैं और आपने कहा नमस्कार, आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। ये एक चीज हो गई। अनुकरण का सिद्धांत हो गया कि जब बालक ने, विद्यार्थी ने या आपके किसी भी सुनने वाले ने, श्रोता ने जब भाषा का अधिगम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज आती है कि सामने वाला जब बोल रहा है आइए, स्वागत है आपका, आपका अभिनंदन है, आपके आगमन से हम बहुत प्रसन्न हैं, और इस तरह से अनुकरण का सिद्धांत भाषा के शिक्षण सिद्धांत में बहुत ही उपयोगी होता है। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये बाल केंद्रीयता का सिद्धांत क्या है। बाल यानी बालक को, शिशु को, विद्यार्थी को, शिक्षा ग्रहण करने वाले को, अधिगमकर्ता को केंद्र में रखने का सिद्धांत है। वर्तमान की जो शिक्षा है, वैदिक काल की यदि हम बात करें, मुस्लिम काल की बात करें और प्राचीन समय की बात करें, तो वहां पर शिक्षक केंद्र शिक्षा थी। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक को केंद्र में रखा गया है। क्योंकि आज के समय में बालक की रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा, उसका बौद्धिक स्तर, इन सब को देख करके बालक को शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। क्योंकि अगर बालक की रुचि नहीं होगी तो जिस विषय में बालक की अरुचि होगी वो बालक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहेगा। इसलिए शिक्षा के केंद्र में हमने शिक्षक का स्थानांतरण करके उस स्थान पर बालक को रख दिया है और बालक को केंद्र में रख करके हमें शिक्षा दी जाती है। तो जो भाषा शिक्षण का मूल सिद्धांत है वो भी बाल केंद्रित शिक्षा। कुछ विद्यार्थी होंगे जिन्हें कविता सुन करके आनंद आता है, कुछ विद्यार्थी होंगे जो कहानी में रुचि लेते हैं, कुछ विद्यार्थी होंगे जो उपन्यास लिखना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नाटक विधि से पढ़ना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी वाद विवाद विधि से पढ़ना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी जो अध्यापक ने कहा उसको वैसे के वैसे आत्मसात कर लिया, लेकिन कुछ तार्किक योग्यता के बल पर भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि हमारा जो शिक्षा का, भाषा शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है वो बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है। रुचि एवं प्रेरणा का सिद्धांत, अभी अभी मैंने आपको कहा कि हमने बालक को केंद्र में इसलिए रखा है कि एक तो उस बालक की उस अधिगम में रुचि होनी चाहिए, रुचि के अनुसार उसे पढ़ाया जाए, और दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कुछ इस तरह का भाषा शिक्षण ऐसा कराया जाए जहाँ पर बालक की रुचि उत्पन्न हो, उसे रुचिकर लगे और वो उसके प्रति आकर्षित हो। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता से यहाँ हमारा अभिप्राय दो तीन प्रकार से है। प्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता हम की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे बालक का बौद्धिक स्तर। कक्षा कक्ष में जब जिन विद्यार्थियों को हम अधिगम करवाते हैं, जिनको सिखाते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, उनका मोटे तौर पर मुख्य रूप से तीन प्रकार की उनकी बुद्धि लब्धि होती है। एक हमारे विद्यार्थी होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, एक हमारे विद्यार्थी होते हैं औसत विद्यार्थी, और एक हमारे विद्यार्थी होते हैं औसत से कम, कहने का मतलब है कि मंद बुद्धि विद्यार्थी। उन सब बालकों की बौद्धिक जो क्षमता है, बुद्धि लब्धि में जो विभिन्नता है, उस बुद्धि लब्धि की विभिन्नता को भी ध्यान में रखकर भाषा शिक्षण करवाना होगा। दूसरी विभिन्नता जो आती है, दूसरा प्रभाव भाषा शिक्षण में आता है, वो आता है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षेत्रीय, विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को जब कक्षा कक्ष में अध्यापक अधिगम करवाता है तो उसे उनके क्षेत्रीयता या उनका क्षेत्रीय जो भाषा पर जो क्षेत्रीयता का प्रभाव है, उनकी बोलचाल की भाषा का जो प्रभाव है, उसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब वाचन करते हैं, हम जब पढ़ते हैं, पढ़ने में निश्चित रूप से हमारे, और बोलने में सबसे बड़ी बात है कि बोलने में हमारी क्षेत्रीय भाषा जो है वो हिंदी भाषा को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। दूसरी विभिन्नता आपकी ये हो गई।
तीसरी विभिन्नता की जब हम बात करेंगे तो वो आ जाता है कि आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक परिवेश, कैसे परिवेश से आप आते हैं, आपके अभिभावक शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, आप किस प्रकार के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपके परिवार में भाषा को कितना महत्व दिया जाता है, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत सूत्र, भाषा शिक्षण के केवल सिद्धांतों के बाद में हम शिक्षा के सिद्धांत सूत्र की बात करेंगे। सुविख्यात शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंस हुए हैं जिन्होंने शिक्षण विधियों पर विचार करते हुए कुछ शिक्षण सूत्रों पर प्रकाश डाला है। शिक्षण सूत्रों में से कुछ हिंदी भाषा के लिए यथेष्ट उपयोगी हैं, जिन पर हम विस्तार से आज विचार और विमर्श कर रहे हैं। भाषा शिक्षण में मुख्य रूप से 10 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो 10 शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षण सिद्धांत सूत्र, सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब कि विद्यार्थी जिस चीज को, जिस बात को, जिस विषय को जानता है, उस जाने हुए से अनजान की ओर ले जाना, जो ज्ञात है उसे उससे अज्ञात की ओर ले जाना। मैंने अपनी कक्षा में और आपने पढ़ाना और पढ़ना आरंभ किया, मैंने एज ए भाषा शिक्षाविद और एज ए भाषा के ज्ञाता के रूप में अपनी कक्षा में जा करके, मान लीजिए कि आज मैं पर्यावरण पे पढ़ाने जा रही हूँ, पर्यावरण पे गहन और विस्तार से अध्यापन करवाने से पूर्व ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने के लिए सबसे पहले जो हम प्राथमिक ज्ञान के प्रश्न कक्षा में पूछते हैं उनमें निश्चित रूप से ज्ञात आप विद्यार्थियों से छोटे छोटे प्रश्न करेंगे। आप पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा है, विद्यार्थी स्वाभाविक आपको उत्तर देंगे कि गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, बरसात आ रही है, हवा चल रही है, जो भी होगा वो। इसका मतलब उन्हें ये भेद पता है कि मौसम अनेक प्रकार के होते हैं, पर्यावरण अनेक तरह से होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपने कहा कि हवा जब चलती है तो पर्यावरण में क्या होता है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि यदि किसी क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं तो उस क्षेत्र का पर्यावरण, उस क्षेत्र का वातावरण कैसा होगा। निश्चित रूप से विद्यार्थी आपको उत्तर देंगे कि वहाँ पर धुआं होगा, वहाँ पर पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। और इस प्रकार से जो वो जानते हैं उससे आप उन्हें अज्ञानता की ओर ले जा सकते हैं। दूसरा हमारा है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। मैं इसको भी आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी, सरल से कठिन की ओर। मान लीजिए कि हम भाषा में, आप भाषा में पढ़ाना चाह रहे हैं कि संवेदना क्या होती है, सरल से कठिन की ओर। संवेदनाओं के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, संज्ञा के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, पर पर्यायवाची शब्दों के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, विलोम शब्द के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं। और आपने एक प्रश्न विद्यार्थियों से किया कि मित्र कौन कौन से हैं, आपके मित्र कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया, राम, नमन, शुक्ला, ये वो, उन्होंने उत्तर दे दिया, अपने मित्रों के नाम आपको बता दिए। अब आपने उनसे दूसरा प्रश्न कहा कि आपके शत्रु कौन से हैं। विद्यार्थियों ने कहा इससे मेरा झगड़ा हुआ है, मोहन से मेरी बात नहीं होती है, श्याम मेरी पिटाई करता है, मतलब वो उनके शत्रु हो गए। ये सरल से वो ये जानते हैं कि कौन उनके मित्र है और कौन उनके शत्रु है। इस मित्र और शत्रु के भेद से आप उन्हें विलोम शब्द पढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सरल से कठिन की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मान लीजिए कि मुझे पानी के स्रोत के बारे में पढ़ाना है और पानी के स्रोत यानी पानी कहाँ कहाँ, हम पानी का संचय हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
पानी के संचय के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और वो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रहे हैं। मेरे पास में ये एक पानी की बोतल है और इस पानी की बोतल को दिखा करके मैं विद्यार्थियों से ये कहूँगी कि इस बोतल में मैंने किस पदार्थ का संचय कर रखा है। विद्यार्थियों ने कहा कि इसमें मैडम आपने पानी डाल रखा है, ये मेरा हुआ मूर्त। अब मुझे यदि अमूर्त की ओर बढ़ना है तो मैं उनसे दूसरा प्रश्न कर सकती हूँ कि पानी को कहाँ कहाँ एकत्रित किया जा सकता है। घड़े में किया जा सकता है, बोतल में किया जा सकता है, आप कहीं तालाब में कर सकते हैं, आप कहीं झील में कर सकते हैं, उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। तो मूर्त से अमूर्त के मान लीजिए कि मुझे भारतवर्ष में बांधों की स्थिति पर उनको पढ़ाना है कि किस तरह से पानी को हम रोक सकते हैं, बांध किस तरह से पानी का संचय कर सकते हैं और वह मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जा सकता है। उसके बाद में हमारा जो शिक्षण सिद्धांत सूत्र आता है वो आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, निश्चित की ओर। प्रकृति के नियम निश्चित हैं लेकिन अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाने के लिए हमने एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि जब प्रातःकाल आप भोजन या सुबह का जब नाश्ता आप करते हैं तो उसमें आपको क्या खाने के लिए आपके अभिभावक आपके माता पिता प्रेरित करते हैं। बच्चों ने कहा कि वो कहते हैं दूध पीजिए, बच्चों ने कहा कि वो कहते हैं कि आप फल खाइए, जूस पीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। स्वाभाविक है बच्चे कहेंगे कि पराठा खाना चाहते हैं, ब्रेड खाना चाहते हैं, बिस्किट खाना चाहते हैं, पिज्ज़ा खाना चाहते हैं या मैगी खाना चाहते हैं, इस तरह की करेंगे। अब ये जो माता पिता ने अनिश्चितता, बच्चों ने माता पिता ने क्या कहा और बच्चों ने क्या जाना, इन दोनों चीज़ों के बाद में जो अनिश्चित से निश्चित, अब ये अनिश्चित है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित ये है कि जो हमारे खाद्य वस्तुएं हैं या हमारा भोजन है वो पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का भोजन लाभदायक है, पौष्टिक है, ये बताने के लिए हम इस तरह के उदाहरण से अनिश्चित से निश्चितता की ओर ले जाते हैं। विशेष से सामान्य की ओर, हमने कोई भी एक विशेष चीज़ उनको ले गए हैं और उससे हम सामान्य की ओर ले जाते हैं। हमने विशेष कोई भी एक वस्तु के बारे में, एक चीज़ के बारे में हमने उनसे बात करी और उस विशेष से हम सामान्य की ओर उनको बढ़ा गए। विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण होता है कि चीज़ों को अलग अलग करना, विश्लेषण करके देखना, उनको अलग अलग करके देखना, और संश्लेषण होता है पुनः उनका समागम करना। तो हम चीज़ों को अलग अलग करके देख करके उनका संश्लेषण, विश्लेषण पहले करवाते हैं और विश्लेषण के बाद हम संश्लेषण की तरह ले जाते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने कहा कि हमारे जो व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरे हैं। अब कैसे अधूरे हैं, तो हमने यदि लिखा, कै लिख दिया और कै के साथ हमने उनको बताया कि ये कै है, इसके नीचे ये एक हलंत लगा हुआ है और इसके साथ में जब हम ए का स्वर जोड़ेंगे तब ये पूरा कै बनेगा। तो हमने क्या किया, विश्लेषण किया, पहले दो चीज़ों को, दो जो हमारे शब्द के प्रतीक है उनको अलग अलग किया, एक स्वर लिया और एक व्यंजन लिया और फिर उनका समावेश करवा के उनको कै का ये सब लिखना पढ़ना संश्लेषण से बताया। अनुभव से तर्क की ओर, पहले हमने अनुभव से उनको कोई भी पाठ या कुछ भी बताया और अनुभव के आधार पर फिर हमने उनको तार्किक ओर ले गए हैं। आगमन से निगमन विधि, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण किसी भी चीज़ की पूर्णता के साथ उसके अंश की ओर ले जाना भी एक विधि है। मनोवैज्ञानिक क्रम से प्रगति, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा, जो आज के वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो चीज़ ध्यान रखने लायक है वो ये है कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक जो हमारी पद्धति है, आप दूरदर्शन पे और आज न्यूज़ चैनल पे आज इस वार्ता में चर्चा में शामिल हुए हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक है कि हम आमने सामने बैठ करके भली बातें सीख सकते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण क्या है, भाषा के कौशलों में श्रवण कौशल प्राथमिक है
और भाषा का प्रथम तरीका श्रवण है। जो बालक बचपन में सुन नहीं पाता वह बोलने में भी असफल होगा, क्योंकि उसका भाषा ज्ञान सुनने होगा। तो इस प्रकार से श्रवण क्रिया के द्वारा बालक विभिन्न ध्वनियों, शब्दों आदि को पहचानता है और ये ध्वनियाँ, शब्द आदि वाचन में सहायक होती है। वाचन कौशल का अर्थ सामान्य शब्दों में पुस्तक अथवा पठनीय सामग्री जो होती है उसके पढ़ने को वाचन कहा जाता है, लेकिन वाचन ज्ञान अर्जन की कुंजी है। वाचन एक कला है, वाचन एक कौशल है, ऐसी क्रिया है जिसमें शब्दों के साथ साथ अर्थ ध्वनि भी निहित होती है, वाचन कहलाती है। और वाचन में मुख्य तीन बातें होती है, श्रुत ध्वनि, अर्थ ग्रहण और प्रतिबिंब शब्द संग्रह। भाषण और वाचन में संबंध। भाषा शिक्षण में मुख्य चार कौशलों में से किसी एक भी कौशल की उपयोगिता अधिक और दूसरे से कम समझने का प्रयास करना निरर्थक होगा, क्योंकि श्रवण और वाचन में संबंध को स्पष्ट किए जाने के लिए दोनों कौशलों की शिक्षण विधियों की तुलना करना अनिवार्य हो जाता है। दैनिक और सामाजिक व्यवहार में तुलना समकक्षता के सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो आप देखिए, उद्देश्यों में संबंध है। श्रवण और भाषा साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं और वाचन में भाषण वार्तालाप की क्षमता अर्जित करते हैं। श्रवण द्वारा अर्थ ग्रहण की योग्यता विकसित होती है, साथ ही साथ वाचन में ग्रहण किए गए अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। श्रवण में शुद्ध उच्चारण में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और वाचन में शुद्ध वाचन की दक्षता प्राप्त होती है। अब इनकी विधियों में भी संबंध है। ये जितनी भी विधियाँ यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ये दोनों में आती हैं, कहानी माध्यम से, अनौपचारिक बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहकर, भाषण श्रुतिलेख, घटना का वर्णन करके, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, चित्रों का वर्णन करके, आशुभाषण के द्वारा, श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके और परस्पर विचार विमर्श करके। श्रवण वाचन कौशल के प्रकारों में एक और संबंध ये भी है कि श्रवण जो है हमारा वो अवधानात्मक है, रसात्मक है और विश्लेषणात्मक है। ऐसे ही जो हमारा पठन है और वाचन है वो सहस्वर है, मौन है और सम्मेत है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा से विचारों और भावों की अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान और परस्पर संवाद स्थापित होते हैं और इसके द्वारा वर्णित और चर्चित कौशलों को अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चारों एक दूसरे के पूरक है। बालक प्रथम सुनेगा, तत्पश्चात सुनी गई ध्वनि का अनुकरण करते हुए वो वाचन को का प्रयास करेगा। अतः ये कहा जाना कदापि अतिशोक्ति नहीं होगा कि श्रवण और वाचन कौशल एक दूसरे के बिना अधूरी है और एक दूसरे के बिना अप्रभावी है। आज की इस चर्चा में हमने वाचन और श्रवण के संबंध पर विस्तार से चर्चा करी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, पुनः मिलेंगे।